हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम प्रोजेक्टर को ओपन करके देखते हैं इसके अंदर क्या और ये कैसे काम करता है। इसके लेंस या अन्य पार्ट को कैसे हम साफ़ करेंगे यदि लेंस या अंदर के मिरर पे डस्ट जम जाती है तो। ये हमारे पास यूनिक UC40 मॉडल नंबर का प्रोजेक्टर है, इसको ओपन करेंगे और देखते हैं इसके अंदर क्या है। और ये हमने ओपन कर लिया है प्रोजेक्टर को। प्रोजेक्टर हम सभी जानते हैं कि ये फोकस के द्वारा काम करता है, इसकी स्क्रीन नहीं होती। इसको हम प्लेन वाइट दीवार पे या बोर्ड पे चलाते हैं। ये हमने ओपन कर दिया। ये आप ऊपर इसकी बटन्स है और ये हम इसके अंदर के कवर को ओपन कर रहे हैं। इसके अंदर आप देख रहे हैं ये ग्लास है और ये सामने लेंस। ये हमारा प्रोजेक्टर सामने ये LED लैंप लगा है जो कि फोकस मारता है इस ग्लास पे। ग्लास से वीडियो ग्लास पे आता है और उसके बाद ये सामने जो मिरर लगा उसके थ्रू रिफ्लेक्ट होकर लेंस पे जाता है। लेंस से हमारे बोर्ड या वाइट दीवार पे फोकस से वीडियो चलता है। ये ग्लास आप देख रहे हैं, ये लाइट को कंट्रोल करता है प्रोजेक्टर की। इसको अगर हम उल्टा लगाएंगे तो प्रोजेक्टर का वीडियो निगेटिव चलने लगेगा, इसलिए केयरफुल तरीके से उसी एंगल में लगाएं जिस एंगल में पहले लगा था, कंपनी बिल्ड करके दी थी। ये हमारा ग्लास रहा। ये प्रोजेक्टर की स्क्रीन है जिस पे वीडियो चलता है और ये वीडियो केबल के द्वारा इसमें डाटा आता है। और ये लेंस है जिसको हम एडजस्ट करते हैं जिससे, और ये मिरर के द्वारा लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारे लेंस पे जाती है जिससे हमारा वीडियो चलता है। और ये कनेक्टिविटी के लिए पोर्ट दिए गए हैं प्रोजेक्टर में। और ये देख सकते हैं मिरर। और ये ऊपर मेन बोर्ड है प्रोजेक्टर का, इसमें सर्किट है। यदि प्रोजेक्टर के किसी ग्लास या लेंस पे डस्ट जम गई है तो उसे हमें हल्के हाथों से सूती कपड़े से क्लीन करना चाहिए, वो भी बेहद केयरफुल तरीके से। तो आप देख सकते हैं इस तरह से वीडियो प्रोजेक्टर काम करता है। और ये पावर का पॉइंट है और ये पीछे रिमोट का सेंसर। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें, लाइक और शेयर करें।